गाँव में हमार नैहर बा महाराज, पूछे के कौन बात बा। और हालचाल आप लोग अच्छा है ना? आप अपना बताइए। मेरा भी हालचाल बढ़िया है भैया, थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि आप लोग मतलब ऐसे मिलेंगे मुझे। बाकी पटना तो मैं आती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम नोटिस का जवाब दे दिया? जी मैंने नोटिस का जवाब दे दिया है और वो नोटिस जो है वो पूरी तरह से फर्जी था और ऐसा मैं नहीं मेरे वकील कह रहे हैं। और जस्टिस काटजू का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो मेरे ऊपर जो धारा लगाई गई थी वो 160 CRPC थी, जो बिना FIR दर्ज किए नहीं लगाया जा सकता है। तो वो पूरी तरह से इलीगल था, उसका जवाब दे दिया गया। यूपी में बुलडोजर काफी चल रहे हैं, बाबा के यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं काफी, आपने गाया भी है, बताइए क्या बोलना है? नहीं देखिए, अतिक्रमण हटा रहे हैं और ये जितने भी बदमाश लोग हैं गलत तरीके से ज़मीन को कब्जा कर रखें। अतिक्रमण हटना बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने कब कहा कि मैं बुलडोजर के पक्ष में नहीं हूँ। पर बात ये है कि जिस तरह से कानपुर में माँ बेटी की जान गई पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता की वजह से, तो वो गलत था। तो मैंने उस गीत को लिखा। यहाँ के लिए अच्छा देखिए, अब बिहार के लिए 4 लाइन की बात है तो अभी तो तमिलनाडु में भी अब पता नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि फेक खबर है। नहीं उसमें आज अधिकारी के दल जा रहे हैं, कुछ खबरें आई हैं कि बिहार के मजदूरों के साथ बिहार के लोगों पर हमला हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने बोला भी है कि आज अधिकारी जा रहे हैं, तो किस तरीके से देखती हैं? नहीं मैं वही तो मैं बता रही हूँ, मैं खुद दिल्ली से आ रही हूँ, मैं भी अपने आप को एक प्रवासी मजदूर ही मानती हूँ। और दिल्ली बम्बई जितने भी मेरे भाई लोग गए हुए हैं, अपने लोग चचा लोग भैया लोग गए हुए हैं, मैंने देखा है। दिल्ली में मैं रहती हूँ तो मैंने देखा है, कोई बॉडीगार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई तरकारी बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कूड़ा उठाने का काम करता है, कोई वहाँ पे जज साहब और कलेक्टर साहब बन के नहीं गया है, तो यही नौकरी करते। मैंने एक गीत लिखा था, वो गीत अब आज के वर्तमान में बड़ा लागू भी होता है, मैं वो सुनाती हूँ। भैया हाय हम बिहारी बहरा जात बानी हो, कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो, कके तमिलनाडु में मजूरिया हम कमात बानी हो। चेन्नई की घटना को किस तरीके से देखती है क्योंकि बहुत गंभीर मामला है? नहीं देखिए मैं एक लोक गायिका हूँ भैया, खासतौर से तो ये सवाल आप लोगों को नेताओं से पूछना चाहिए। मैं तो एक लोक गायिका हूँ, मेरे पास पावर भी नहीं है, अथॉरिटी भी नहीं है कि मैं चीज़ें बदल सकती हूँ। मैं क्या देख सकती हूँ? जैसे आप लोग देखते हैं, आप लोग खबर चला सकते हैं, आप लोगों को भी बड़ा संवेदनशील लगा होगा वो वीडियो जहाँ पे बिहारी आपके भाई लोग हमारे भाई लोग मार खा रहे हैं। मैं उसको देख करके भी क्या कह सकती हूँ? मैं गीत लिख सकती हूँ, उनकी आवाज़ उठा सकती हूँ, एक ट्वीट कर सकती हूँ, इसके अलावा मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। ये सवाल आप लोगों को सरकारों से करना चाहिए, नीतीश जी से करिए, तेजस्वी जी से करिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। नहीं, महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं महिलाओं को। अभी तो मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर भी महिलाओं को ही सम्मानित करने का वो प्रोग्राम है, जहाँ पे मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। तो मैं तो खुद भी एक महिला हूँ, मैंने देखा है बड़ा महिलाओं को यूपी बिहार जैसे जगहों में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष कर रही हैं, आगे बढ़ें, संघर्ष करें। चलिए, थैंक यू।